परिवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। कहती है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव जी के नाम का स्मरण प्रत्येक को कर लेना चाहिए। और एक नंदीश्वर शिव महापुराण से बात सीख कर जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहे, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दो जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर। मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी सवर जाए। इसलिए दो दी स्मरण। हाँ अच्छा इशारा करा है, उसे समझ गए हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड। जब प्रदोष पड़े, बन सके एक बेलपत्र, बन सके पांच बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। दो या तीन प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। दो या तीन करो। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसके घर में क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो, या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता, या पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि का रूप में कहीं ना कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो, तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, और ध्यान दीजिएगा महाराज, जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री की, ऐसा बेलपत्री की सात भाग ले लो, मतलब बेलपत्री सात ले लीजिए, सात बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते हैं पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है सफेद कलर का कच्चा धागा जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर नंदी के, जो नंदी होता है नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा, एक पांव नीचे की हो जाता है, तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है, कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो सात गुच्छ हैं, सात जो बेलपत्री के भाग हैं, सात बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर उस कच्चे सूत को लपेटना है। महाराज लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, साथों में लाल चंदन लगाना है। महाराज उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं, तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, उस शांति का अनुभव, उसमें क्लेश नहीं हो सकता। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, पक्के धागे से नहीं लपेटना सफेद, कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा। एक शमी पत्र, पांच बेल पत्र,
तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, सात कने अक्षत के आखी अक्षत से डाल लीजिए और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए, झोली पसार कर प्रणाम करिए, शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें, जल का पात्र बाकी भूमि में आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वार जाना, फिर विनती करें, कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभू पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली को भर ही देगा। खुशी 2 3 4 बस बहुत। यानी प्रदोष जीवन को सुख देने वाली, संतान समृद्धि वैभव देने वाली, निवेदन है आपसे, सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय, प्रदोष काल शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ाए, तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें, ये एक उंगली टीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण कहें, बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज आज मिलने के लिए, और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं, कारक ग्रह हों, बेकार वृत्ति वाले हों, वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन, मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ, शनि महाराज जीवन का सुख प्रदान करेंगे, आनंद शनि प्रदोष। मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र, शनि प्रदोष सुख का देना। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बनाएं, भगवान शिव का स्मरण करते आनंद करते, शंकर सुख की दायिनी है, शिव आनंद के दे। एक बात उतार कर रखिए अपने जीवन में, जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही ना, हो ही नहीं रहा, तुम्हारा बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर, बेलपत्री का जो पेड़ होता है उस वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध 7 बार फिर जल चढ़ाकर लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिवजी को चढ़ाकर उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर आ जाए, अगर जो कार्य उलझ रहा है सुलझने का नाम ही नहीं लेगा तो फिर किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा पूर्ण कर ही देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।